यूपी के संभल में पुलिस ने हाईवे पर माल से भरे कैंटर लूटने वाले गैंग के दो वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से लाखों की कीमत के लूटे गए मसाले भी बरामद किए हैं। संभल के एएसपी आलोक कुमार जायसवाल ने बताया कि 5 जून को मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके में हाईवे पर कार में सवार बदमाशों ने सेल टैक्स अधिकारी बनकर 26 लाख की कीमत के सरसों के तेल के पीपों से लदा कैंटर लूट लिया था, जिसे 6 जून को थाना असमोली पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़ के बाद कैंटर बरामद कर लिया। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया था, जबकि 6 बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद पुलिस इन फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी थी और आज पुलिस ने इस गैंग के फरार बदमाशों में से हापुड़ जिले में बाबूगढ़ छावनी थाना इलाके के दो बदमाश इसरार और उस्मान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 वांटेड बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार बदमाशों से लाखों की कीमत के लूट के मसाले भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों ने पुलिस को बताया कि मुरादाबाद में 5 जून को सरसों के तेल के पीपों से लदे कैंटर को लूटने से पहले उनके गैंग ने 24 मई को अमरोहा जिले के रजबपुर थाना इलाके में हाईवे पर मसालों से भरे कैंटर को भी लूटा था। गैंग के बदमाश बाबूगढ़ छावनी के नजदीक हाईवे पर लिफ्ट लेकर मसालों से भरे कैंटर में सवार हुए थे। रास्ते में कैंटर के चालक को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दी गई थी। नशीली कोल्ड ड्रिंक पीने से बेहोश चालक को रास्ते में फेंकने के बाद उन्होंने कैंटर लूट लिया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। संभल से वीएफएन के लिए सनी गुप्ता की रिपोर्ट।